गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज लॉन्ग एंड शॉर्ट. जैसा कि स्टूडेंट्स चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को मेज़र करेंगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी उसमें लॉन्ग है और कौन सी शॉर्ट है. चलिए लेट्स स्टार्ट. लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप. अ फार्मर कम टू बाय रोप. कहते हैं कि जो लाली है वो अपने पापा की शॉप पर बिक्री कर रही थी. एक किसान वहाँ रस्सी खरीदने के लिए आता है. यू कैन गिव मी 7 आर्म ऑफ रोप. जो फार्मर है वो लाली से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे 7 आर्म्स जितनी लंबी रोप दे सकती हो. हेयर इज़ योर 7 आर्म ऑफ रोप. जो लाली है वो रोप को मेज़र करती है अपनी आर्म से 7 टाइम और कहती है कि ये रही आपकी 7 आर्म्स ऑफ रोप. तो किसान क्या कहते हैं, बट दिस इज़ ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग. लेकिन ये तो सिर्फ केवल 6 आर्म जितनी ही लंबी है. बताओ ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि जो लाली है वो तो बच्ची थी और बच्चे की तो आर्म्स जो होती है वो छोटी होती हैं, और जो फार्मर थे वो तो बड़े थे इसलिए उनकी आर्म भी बड़ी हुई. इसलिए जब लाली ने जो 7 आर्म्स रोप मेज़र की वो जब फार्मर ने मेज़र की तो 6 आर्म्स ही मिली. तो लाली क्या कहती है, वाई डोंट यू मेज़र योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ. लाली कहती है कि तुम इस रस्सी से अपनी आर्म से 7 टाइम्स रोप क्यों नहीं नाप करके ले लेते हो. सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप. तो लाली जब किसान जो है अपनी आर्म से 7 टाइम रोप को नाप लेते हैं और लाली उन्हें दे देती है. ठीक है जी. मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, वट इज़ द डिफ्रेंसेस. वट इज़ द डिफ्रेंस. कहा है कि आप अपनी आम को और अपनी मदर की आम को मेज़र कीजिए और देखिए उसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये आपको खुद से करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही. मान लीजिए आपकी आम की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है. ये मैं मान रही हूँ, गैस कर रही हूँ. आपको तो खुद से मेज़र करना है. तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माई आर्म कितनी. हमने कहा 30 सेंटीमीटर, तो आपकी अगर 30 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए आपकी जो मम्मी है उनकी आर्म की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ माई मदर्स आर्म 50 सेंटीमीटर. तो डिफरेंस पूछा है तो लीजिए हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन माई एंड माई मदर्स आर्म माई मदर्स आर्म कितना. आपके मदर की है वो 50 सेंटीमीटर है और जो आपकी है वो 30 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंस कितना आया, 50 में से 30 जाएगा तो 20 सेंटीमीटर. तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 20 सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो ये हो गया डिफरेंस. चलिए, वैसे आप लोगों को ये खुद से मेज़र करना है अपनी और अपनी मदर की आर्म को. ठीक है. नेक्स्ट दिया है हाउ मैनी, यानी कि कितना है. चलिए कितना क्या है चलिए देखते हैं. जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है इसमें कहा इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड. जो ये लड़का है इसका नाम है डोरजी और पूछा है कि डोरजी कितने स्टेप्स में इस रोड को क्रॉस कर देंगे. ठीक है, चलिए हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं. जो डोरजी है वो 1 स्टेप में यहाँ से यहाँ तक का कवर करते हैं, 2nd स्टेप में वो इतना कवर करते हैं,
तो थर्ड स्टेप में वो इतना करेंगे, फोर में इतना, फाइव में इतना, सिक्स में इतना, सेवन में इतना, एट में इतना और नाइन में इतना। तो जो मैंने मेज़र किया इसमें एट से नाइन स्टेप में जो है डोरजी जो है रोड को क्रॉस कर देंगे, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे डोरजी विल, आप अपने हिसाब से मेज़र कीजिएगा, हो सकता है आपका मेज़रमेंट कम आए, हो सकता है सेवन आए, हो सकता है एट आए, हो सकता है नाइन आए, ठीक है। डोरजी विल क्रॉस द रोड इन, कितना आया है हमारा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन स्टेप्स, ठीक है। डोरजी विल क्रॉस द रोड इन नाइन स्टेप्स, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी कप्स बी प्लेस्ड इन द लाइन ऑन दिस टेबल, यहाँ पर एक टेबल दी है जिसके ऊपर हमें कप्स रखे हुए हैं, जिसके ऊपर कप्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि इस टेबल पर ऐसे कप रखे तो कितने कप आ जाएंगे इस वाली लाइन में, एक सीधी लाइन में, ठीक है। चलिए तो इसमें को भी ऐसे ही कर लेते हैं, जो वन कप है वो इतना स्पेस ले रहा है, जो सेकेंड वाला कप है वो इतने में, थर्ड वाला इतने में, तो एक इतने में आएगा, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया और ये हमारा एट हो गया, यानी कि इस तरीके से हमारे कितने कप आ जाएंगे, एट कप्स आ जाएंगे। ये ऐसा मैंने मेज़र किया, आप अपने हिसाब से मेज़र करके देखिए आपके कितने कप्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला कहा है हाउ मैनी पोर्ट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच, यहाँ पर देखिए ये एक ट्री बना हुआ है और ट्री के इधर पोर्ट्स रखे हैं और कहा है कि इन पोर्ट्स को ब्रांच तक पहुँचने के लिए हम कितने पोर्ट्स का यूज़ करेंगे कि वो ब्रांच तक पहुँच जाए। चलिए मेज़र करते हैं, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे ही, तो इससे हमें इजी हो जाएगा मेज़रमेंट करने में। तो देखिए जो वन पोर्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, सेकंड यहाँ तक आ रहा है, तो थर्ड पोर्ट हमारा यहाँ तक आएगा, फोर्थ हमारा यहाँ आएगा, फाइव यहाँ आएगा और सिक्स यहाँ आएगा और सेवन, तो टोटल जो है हमारे सेवन पोर्ट्स जो है अगर हम ऐसे रखते हैं तो जो है ब्रांच से वो टच हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम लोग लिखेंगे सेवन पोर्ट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में कहा है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, यहाँ पर एक वायर है जिस पर एक शर्ट को टाका हुआ है, तो पूछा है कि यहाँ पर कितने शर्ट्स जो है टंग सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जो ये वाली शर्ट है वो इतना स्पेस ले रही है, ठीक है, तो एक शर्ट यहाँ पर आ जाएगी और दूसरी शर्ट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये लीजिए। तो कितने शर्ट्स आ गए हमारे, टू शर्ट्स आ गए, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये लीजिए ऐसे करके जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो और फिर आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे आप शर्ट को ड्रॉ कर लेंगे, तो कितने शर्ट्स आए यहाँ पर, यहाँ पर हमारे जो है कितने शर्ट्स आ गए, वन टू, टू शर्ट्स और हम इस पर हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू शर्ट्स, टू
shirts can hung be लगेगा can be hung on this wire, ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर कहा है हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर, कि कितने सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रही हमारी मैच स्टिक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है मैच स्टिक, ऐसा उन्होंने भी बताया है। फिर कहा है द डाइस इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। ये रहा हमारा डाइस और ये इसकी हर साइड जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। द लिजार्ड इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ पर जो है लिजार्ड है और इसकी लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछा है द लीफ इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर देखिए हमें एक लीफ दी गई है और पूछा है कि ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 1, 2, 3, 4। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है लीफ? लीफ है हमारी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4। फिर है द वैक्स कलर इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रहा हमारा वैक्स कलर और इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। तो लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ ये वैक्स? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया 7 सेंटीमीटर। कहा है नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट हैव। कहा है कि अब आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से जो स्केल होता है उसको देखिए और बताइए कि उसमें कितने सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्केल देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है और स्केल्स पे जो है ऐसे देखो, ये इधर भी स्केल बना हुआ है, ऐसे करके छोटे छोटे लाइन लगा के और बड़े लाइन का यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा जीरो से स्टार्ट होकर के, जीरो से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते वो 15 तक जाता है, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है वो। तो वो कितने सेंटीमीटर तक का होता है? 15 सेंटीमीटर तक का। तो आप लोग जो है ज्योमेट्री बॉक्स से, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल को देखेंगे भी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट में कहा है द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज़ लाइक दिस वन। देखिए जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आता है वैसा ही स्केल यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए जीरो से स्टार्ट होकर के 15 तक गया है, है ना, 15 सेंटीमीटर तक। तो कहा है इज़ इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ज़ीरो मार्क। क्या ये जीरो मार्क से जो है ईजी होता है इसको मेज़र करना? लुक एट द थिंग्स ड्रोन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। देखिए अब यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की गई है, कहाँ है इनको देखिए और इनका मेज़र कीजिए। तो जो ये हमारा ये हुक है ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 1 सेंटीमीटर का है। और देखिए जो ये पिन है ये कितने सेंटीमीटर के? 2 सेंटीमीटर की है। फिर यहाँ पर ये वाली पिक्चर ये 3 सेंटीमीटर की है और ये हमारी जो नेल दी है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इजी है ना, ज़ीरो से लेकर के जब हम किसी भी नंबर तक जाते हैं तो मेज़र करना इजी होता है, वही बात इन्होंने कही है। तो कहा है व्हाट आर द लिटिल लाइन, क्या है व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। तो जो ये छोटी छोटी लाइनें, ये बीच बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं इनका क्या यूज़ है? तो जब बड़ी चीज़ें होती है तो हम उसको जो है ये सेंटीमीटर से आकर के मेज़र कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी चीज़ें हो, स्मॉल थिंग्स होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए हमें जो ये छोटी छोटी लाइन्स हैं इनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी।
तो दी स्मॉल लाइन्स यूज फॉर मेजर स्मॉल थिंग्स, ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, लुक फॉर थिंग्स दैट आर, कहा है कि कुछ चीज़ें देखिए जो कि कितने मेज़रमेंट की हो, अबाउट 10 सेंटीमीटर लो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ चीज़ें ऐसे फाइन देखिए। आपके घर पे बहुत सारी चीज़ें होंगी डिफरेंट डिफरेंट मेज़रमेंट की, तो देखिए कोई 1 से 10 सेंटीमीटर तक हो, बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो, 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर से आगे और 20 सेंटीमीटर से पीछे। ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 1 सेंटीमीटर से कम मेज़रमेंट वाली चीज़ें, जैसे कि एंट होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, ऐसे जो और भी घर में कोई छोटी चीज़ें हो तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वीट होते हैं, वीट के दाने होते हैं, राइस होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से छोटे भी होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।